From Pakistan. Oh. Barbecue party. यहाँ पे हो रही है. Hi. Hello. 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 ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है इधर तो भाई. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द फूड स्ट्रीट ऑफ वेफांग सिटी. और अभी थोड़ी देर पहले ही उठे, नाश्ता वगैरह किया और कुछ पार्सल आए हैं वो उठाने लगे. उसके बाद रेडी होते हैं और निकलते हैं सिटी की तरफ. और वहाँ माहौल और व्यू रात के टाइम होता है तो असर के टाइम तकरीबन शाम से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे और रात को फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ का नाइट व्यू दिखाएंगे. दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन पिक आवर पार्सल्स. और यहाँ बहुत प्यारे तरीके से जो है ना, लेट मी शो यू कैसे आप अपना पिकअप नंबर जो है ना फाइंड कर सकते हैं. लाइक सो यहाँ पर आपने अपना पिकअप नंबर लिखना है और उसके बाद सर्च कर देना है, फिर ऐसे इस तरह के फॉर्म में आ जाता है. मैं आपको दिखाता हूँ अपना. तो ये है मेरा फर्स्ट वन इज़ माइन मोहम्मद ज़ीशान के नाम से 264-6 पिकअप नंबर. और ये 264-6 दिस इज़ माई पार्सल. सो गाइस पार्सल पिक कर लिए, अब जाते हैं रूम और रेडी होते हैं, उसके बाद सिटी की तरफ निकलेंगे. ओके तो बस रेडी हो गए, निकलने लगे हैं थोड़ी देर तक. ज़ुबैर साहब ओके लेट्स गो. सर थोड़ा आगे हो जाए. अच्छा ये न्यू चाइनीज़ स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में आए, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स. और इन सब की ये ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है. फर्स्ट जो इनका ईयर होता है वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की. तो ये अब पूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी देखोगे यही नज़र आएंगे सारे. ओके गाइस सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेफांग सिटी. ज़ुबैर सर कितना टाइम लगेगा सर पहुंचने में? ऑलमोस्ट आवर. ओके ओके तो फूड स्ट्रीट हम पहुंच गए हैं और साथ लेके चलते हैं आपको, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें. वैसे नाम हमें भी नहीं पता कि कौन कौन सी डिशेज और क्या क्या मिलता है. बहरहाल साथ चलने देखते हैं क्या है. ओके
ये रोल पराठा ये खाला जी बना रही है, लेकिन चिकन का तो नहीं लग रहा। ये बस भी इसने पोर्क डाल दिया ऊपर से। आज ये तो हमारे खाने वाली नहीं है। आज और सी फूड है इसे। हाँ ठीक। ना 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 चूप। ना 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 बे हराम नहीं खाते हम, क्या बताएंगे। What is it? चिकन यहाँ बहुत कम ही मिलता है, यहाँ पोर्क ज्यादा खाते हैं, और अगर चिकन हो भी तो ऑयल वो ऐसा यूज करते हैं जो हम नहीं खाते होते, हराम होता है। ये तो फूड स्ट्रीट में घूम रहे हैं, रश इतना है कि गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, और अभी तक कोई ऐसी चीज मिली तो है नहीं तो जो हम खा सकें। पॉर्क और ये भी पॉर्क। ये सारा पॉर्क डाला हुआ है इसके अंदर। वहां पे भी कोई खाने की चीज नजर नहीं आ रही। ये फिर पॉर्क। वो हमारे गाने वाला वाकई नहीं था वो। नहीं ये भी हमारे खाने वाला नहीं है। ये फिर रोल पराठा, लेकिन उसमें भी पोर्क है इन्होंने डाला हुआ। ना भाई ये भी हमारे खाने की चीज नहीं है। यार यहाँ भी कुछ नहीं है खाने को। अच्छा ये है बिंग। क्या बिंग लड़के बिंग खाए? पूछ इससे कि जिंग चिकन का होगा चिरू बिंग। क्या उसने रोल बनाया? ये आटा कौन सा है इसके लिए? पराठा कौन सा? ये पराठा कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या क्या है। ये भी सारा पोर्क पड़ा हुआ है। यहाँ भी खाने को कुछ नहीं है। सी फूड लड़के सी फूड ट्राई करें। यार ट्राई कर लेते मैं कहता हूँ। चलो वापसी पे देखते हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ आगे से मिल गई तो ठीक, नहीं तो ये ट्राई करेंगे। यार बस एक छली रह गई अब तो, अगर कुछ ना मिला तो छली खाएंगे। सी फूड अगेन। और ये
seashells. वैसे ही दिल भर आता है इनके खाने देख के. हाउ लवर ये जय श्री कृष्ण. छः युआन के 6 मिलेंगे ये और 10 युआन के 11. तो यहाँ पेमेंट कर देंगे. अच्छा स्कैन करो उनके अकाउंट में, उनके अकाउंट में पैसे भेज दो. पेमेंट हो गई है क्या ही? चलो ड्रैगन फ्रूट का दे दिए ऑर्डर. टाइम लगेगा थोड़ा, देखते हैं. फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं, मैंने पहले इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया. बाद में रिव्यू देती है कि कैसे कैसे लगा. अच्छा इन्हें बनाना शुरू कर दिया. तो ये ड्रैगन फ्रूट यार हमारी तैयार हो गई है. आई जाना कार्ड पे. रश इतना हो जाता है जहाँ हम जाते हैं उधर रश ही रख सकता है. ओके तो टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसा है. नॉट बैड, अच्छा आ रहा है टेस्ट. ये क्या करती है? ये कैसे है? मज़ेदार. मज़ा ही आ गया बशर बता. ज़बरदस्त. आगे चलते हैं थोड़ी देर तक. मुस्लिम रेस्टोरेंट है उधर चलेंगे. उधर जाना
नूडल्स और डम्पलिंग्स जो है ना उधर की बहुत मज़े की होती हैं, तो वो ट्राई करेंगे वहाँ से और वो दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या है। ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं थी ना, ये बड़ी जल्दी स्मेल आ रही है जैसे। जूस ट्राई करें? नहीं, हाँ वाटरमेलन जूस। दो शिचन, दो शिचन ईगा, दो शिचन 10। ओके ईगा 1। ओके 1 कप। ओके तो वाटरमेलन जूस बना के देने लगी हैं। एक ग्लास 10 युआन का। लेना तो नहीं था लेकिन मजबूरन लेना पड़ गया, समझ रहे हो ना? नहीं तू समझा नहीं। थैंक यू शिशी। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि और कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने के लिए मिल सकती हैं आराम का हम खाने से रहे, तो देखते हैं क्या क्या है। और ये बारबेक्यू पार्टी यहाँ पे हो रही है। हाय, हेलो। अरे लाइनें मार रही हैं। हेलो हेलो, ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है इधर तो भाई। हाय 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 हाय। ये बारबेक्यू और इधर बियर वगैरह चल रही होती है खुलेआम। और ये है जी नाइट व्यू वेफांग सिटी का, क्या खूबसूरत नज़ारा, मज़ा आ गया। ओके तो मुस्लिम रेस्टोरेंट पहुँच गए, अंदर चलती हैं और ऑर्डर करवाती हैं। डम्पलिंग्स और नूडल्स सही होंगे ना? ओके, डम्पलिंग्स और नूडल्स लाओ भाई। डम्पलिंग और बीफ नूडल्स आइए ट्राई करते हैं। ये इनका होता है मसाला टाइप, इसमें विनेगर होता है और दरमियान में मिर्ची डाली होती है, उसमें ये डिप करके खाना बनता है। गरम है रे लेकिन अच्छी है, मज़े की हैं ये वाले, लाइक माय फेवरेट। काफ़ी जगह से ट्राई किए मैंने ये डम्पलिंग्स, लेकिन यहाँ के तो अलग ही स्वाद होते हैं। इंडस्ट्रीज बीफ नूडल्स, बहुत गर्म है, बारह मज़े के हैं। ओए होए होए, ज़बरदस्त।
ये तो खाना वगैरह खा लिया और अब वापस जाने की तैयारी है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।